आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत ही अच्छा खेल दिखा रही है। टीम ने अब तक सुपर 8 में प्रवेश करने के साथ साथ सेमीफाइनल की राह भी बना ली है और अब रोहित शर्मा से यह उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 17 साल के सूखे का T20 वर्ल्ड कप का सपना पूरा कर सकती है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 होने के बाद में रोहित शर्मा का करियर आगे साफ दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते या हारे, लेकिन रोहित शर्मा का यह आखिरी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इस वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा ने कप्तान छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उसमें बीसीसीआई ने जबरदस्ती रोहित शर्मा को कप्तान दी और 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहने के लिए आग्रह किया था। तो इस बार 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने के बाद में रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ना तय माना जा रहा है। रोहित शर्मा के बाद में टीम इंडिया के लिए कोई T20 में कप्तानी कर सकता है तो उसमें हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले आता है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में हार्दिक पांड्या का नाम बहुत ही जोर शोर चल रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 2 साल में गुजरात टाइटल को बहुत ही अच्छा मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन जब से हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर यह मैटर हुआ है, तब से हार्दिक पांड्या के लिए टीम इंडिया की कप्तानी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऋषभ पंत ने 2024 के IPL में दिल्ली कैपिटल की बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की है और साथ ही ऋषभ पंत एक एम एस धोनी की तरह विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो कि टीम इंडिया को बहुत ही लंबे समय तक आगे लेके जा सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या से बढ़िया विकल्प ऋषभ पंत को माना जा सकता है। एम एस धोनी को भी 2007 में सबसे हट के कप्तान दी गई। इसके बाद में एम एस धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम की। तो ऐसे ही अगर ऋषभ पंत को कप्तानी मिलती है तो ऋषभ पंत टीम को बहुत ही आगे तक लेके जा सकते हैं। और बाकी आप इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके अनुसार ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या दोनों में से किसको बेहतरीन कप्तान मानते हैं, उसी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं।